हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज हम टॉपिक जो देख रहे हैं दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर वेरियस एग्ज़ाम्स। तो इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये एक ही बार में इसी वीडियो में याद हो जाए एंड आपको बाद में वापस से रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। पहला एडियम है हमारा क्राई वुल्फ, ठीक है। ये हमारी एक वुल्फ है जो रो रही है। एक वुल्फ क्यों रोएगी? मतलब वुल्फ को हम एक कार्निवोर कहते हैं एंड वो तो ऑब्वियसली खूंखार होता है। तो वो अगर रोए तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई वुल्फ रो रही है तो वो आपको बुला रही है ताकि आपका शिकार कर सके, ठीक है। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जाता है। तो कॉल फॉर हेल्प व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। तो हो गया हमारा क्राई वुल्फ का मीनिंग, कॉल फॉर हेल्प व्हेन इट इज़ नॉट नीडेड। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईडियम इज़ बुल इन चाइना शॉप, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक बुल है। चाइना शॉप मतलब चाइना, लाइक चाइना मटेरियल के जो होते हैं ना, लाइक क्रॉकरी वगैरह, उसमें अगर एक बुल को छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा भाई? तहस नहस करेगा, सब चीज़ें तोड़ देगा, नुकसान हो जाएगा किसी का भी। तो वेरी क्लमजी पर्सन, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा, वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर रहा है। तो उसको कहते हैं हम अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अब ये एक लड़की है, उसको एक लिटिल बर्ड कुछ बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मेरे को किसी ने कोई बात बताई है, अगर मेरे को वो बात किसी और को बतानी है बट मैं सामने वाले को बताना नहीं चाहती कि ये मेरे को किसने बताया है, देन आई यूज़ अ फ्रेज कॉल्ड अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। तो व्हेन अ स्पीकर नो समथिंग बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ द इंफॉर्मेंट सीक्रेट, देन वी से अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। मूविंग फॉरवर्ड, We have elephant in a room, ठीक है। अभी मान लो ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ एक मीटिंग चल रही है, काफ़ी सारी लोग हैं और यहाँ एक एलिफेंट आ जाए लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसको हम रिलेट करेंगे तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़िलहाल के लिए तो ये एलिफेंट हुआ ना, बट वी आर डिस्कसिंग ऑन सम अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो एलिफेंट इन अ रूम का मतलब क्या होता है? अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट, उसको इग्नोर कर रहे हैं हम उस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव ऑफ द हुक। अभी ये देखिए, इस पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये एक फिश है जिसके यहाँ पे हुक लग गया है, ठीक है। अब भाई किसी ने हुक डाला है तो ऑब्वियसली मछली पकड़ने के लिए डाला है, बट उसको छोड़ दिया कि जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी करके छोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो तो बच गई। तो यही इसका मतलब है कि टू अलाउ टू गो विदाउट बीइंग पनिश्ड, ठीक है। तो ऑफ द हुक हो गया टू अलाउ टू गो विदाउट बीइंग पनिश्ड। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सीइंग रेड। इस एडियम का मतलब होता है, पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं भाई, एक अगर जैसे बोलते हैं ना, सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाना चाहिए, लाल कलर नहीं दिखाना चाहिए, वो मारने को पीछे लग जाता है। तो भाई अगर रेड कलर में ऐसा क्या है कि वो उसके मारेगा, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है, राइट। सडनली उसको गुस्सा आ जाएगा रेड कलर देख के। तो इसका मतलब वही है कि बिकमिंग वेरी एंग्री सडनली, सीइंग रेड का मतलब हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, गो विद द फ्लो, ठीक है। भाई हम बोलते हैं ना कि चलो किसी से पूछते हैं कि भाई आजकल क्या चल रहा है, तो भाई आई एम गोइंग विद द फ्लो, लाइक जो चल रहा है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ एंड मैं उसी के साथ चल रहा हूँ, ये मतलब होता है। तो टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड जस्ट गो विद इट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव टेक द विंड आउट ऑफ समवन्स सेल। इसका मतलब होता है टू कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस और एनर्जी। भाई अगर देखो बात कर रहे हैं इसको, अगर हम ऐसे याद करते हैं, देखो बचपन में आप लोगों ने सबने एक शरारत करी होगी, पता नहीं मैंने नहीं करी थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी साइकिल,
तो किसी की हवा निकाल दी। अब भाई किसी उस बिना साइकिल की हवा के तो अब उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको चलाने के लिए, या अब उसको मान लो कि कहीं जाना होगा फटाफट, ठीक है, आपने उसकी हवा निकाल दी साइकिल की, तब उसमें कॉन्फिडेंस कम आ गया ना कि क्या अब मैं टाइम से पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। तो वही है, टेक अ विंड आउट ऑफ समवन सेल मीन्स टू कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस और एनर्जी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इफ द शू फिट्स वेयर इट। ठीक है भाई, अब ये इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। भाई अगर जूता तुम्हें फिट आ गया तो ये तुम्हारा हुआ, उसको एक्सेप्ट करो, उसको पहन लो। ठीक है, ये सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जाता है कि भाई अगर आपको कोई कुछ सजेशन दे या आपके बारे में कुछ बुरा बोले, अगर वो सच है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई सुधार रहा है आपकी गलतियों को, तो विदाउट बीइंग कि भाई तूने ऐसा क्यों बोल दिया मुझे, जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, इट्स ट्रू एंड आई विल वर्क ऑन इट। दैट्स द मीनिंग ऑफ द शू फिट, इफ द शू फिट्स वेयर इट। मूविंग फॉरवर्ड, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्री। तो ये बचपन में हम सबने सुना होगा, अगर हम कोई फालतू खर्चा की बात करते हैं तो मम्मी या पापा लोग बोलते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ठीक है, तो मतलब इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर कि भाई यू शुड नॉट स्पेंड टू मच मनी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो पैसा सबके पास कम ही रहता है, तो आपको फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, इट इज़ अ हार्ड अर्न मनी। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव स्टॉप क्लाउनिंग अराउंड। ठीक है, अभी अगर आप बचपन में कभी सर्कस में गए होंगे तो आपने क्लाउन्स देखे होंगे। तो अब ये क्या होता है, कभी कभी ना अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और मतलब जानबूझ के टकराते हैं ऑब्वियसली, टू मेक अस लाफ। बट उसको अगर हम एक ईडियम की तरह देखें तो इट इज़ लाइक स्टॉप मेसिंग अराउंड। भाई तुम संभालो खुद को, स्टॉप मेसिंग अराउंड, स्टॉप क्लाउनिंग अराउंड। ठीक है, देन एंट्स इन योर पैंट्स। अभी इमेजिन योर सेल्फ, अगर जैसे ये हैं एंड आपके पैंट में गलती से एंट्स चढ़ गई, तो भाई वो जो काटेंगी ना उसकी वजह से आप इतने रेस्टलेस हो जाओगे। तो एंट्स इन पैंट्स का मतलब होता है रेस्टलेस। मूविंग फॉरवर्ड, वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो छोटा बच्चा होता है वो अपने कान के पीछे पानी नहीं साफ करेगा। ठीक है, तो अब वो क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, अब कोई बड़ा है वो तो चलो देख के सारा पहुँचेगा कान भी अपना, बट छोटा बच्चा नहीं करेगा क्योंकि उसको पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है लैकिंग एक्सपीरियंस। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव रेस अगेंस्ट टाइम, दैट इज़ टू डू समथिंग क्विकली और इन हरी। भाई अगर आपने सुना होगा कि वक्त के साथ भागो, ठीक है, तो वक्त के साथ भागो मतलब यार आपके पास बहुत कम टाइम है एंड यू हैव टू डू समथिंग वेरी क्विकली और इन हरी, तब हम ये यूज़ करते हैं रेस अगेंस्ट द टाइम, टाइम के बिल्कुल साथ भागो। मूविंग एट अ स्नेल स्पेस टू बी वेरी स्लो। भाई स्नेल को अगर आपने देखा होगा ना, बहुत धीरे चलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धीरे चलता है, तो उसके अगर स्पीड पे जा रहे हो तो टू बी वेरी स्लो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अभी अगर हम बात करें, देखिए एक चिड़िया होती है वो सुबह से अपना क्या भोजन की तलाश में निकल जाती है। ठीक है, वो इधर से उधर जाएगी, चेक करेगी। अब सबसे पहले उठने वाली जो बर्ड होगी उसको ज़्यादा इंसेक्ट्स मिलेंगे बजाय उसके जो लेट उठेगी। तो उसको अगर आप लाइक रियल वर्ल्ड में अगर कहना चाहें, तो जो पर्सन जल्द ही किसी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट या फिर ज़्यादा अच्छे से उस पर काम कर सकता है। समवन विल हैव एन एडवांटेज इफ़ दे डू समथिंग इमीडिएटली और बिफोर अदर पीपल डू इट।
ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड वी हैव गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। अब एक गूस जो होती है ना वो बहुत तेज़ दौड़ती हैं, ठीक है, एंड वाइल्ड वाली तो और भी ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगी। अगर आप हैं एंड आप एक गूस के पीछे पड़ गए, फिर आप यहाँ पे एक और गूस है मान लो, तो आप उसके पीछे पड़ गए, भाई आप तो मतलब होपलेस सर्च में चले गए ना। भाई आप किस फूलिश सर्च कर रहे हो, भाई आपको पता है कि वो आपके हाथ नहीं आएगी, फिर भी आप उसको ढूंढ रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, तो इट्स अ फूलिश एंड अ होपलेस सर्च। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। स्पिल द बीन्स। अभी इस मान लो जैसे ये लड़की है, इसके हाथ में बीन्स हैं, ठीक है, अब इस लड़के ने पूछा भाई तेरे हाथ में क्या है, तू क्या छुपा रही है, उसने सारा कुछ दिखा दिया कि देखो ये है, तो उसने तो अपना सीक्रेट बता दिया, तो वही है स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। मूविंग फॉरवर्ड हॉग द लाइमलाइट। भाई अगर एक देखो आपने टीवी शोज़ देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से तो चलो लाइम ऐसे लाइट जलती है और यहाँ पे एक मेन डांसर होता है, यहाँ पे सारे डांसर बैकग्राउंड डांसर्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, तो भाई लाइमलाइट तो सब उसी ने ले ली, ऐसा हम बोलते हैं ना कि आज की सारी पार्टी की जान की लाइमलाइट तो उसी ने ले ली करके, तो गेट अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन एनीवन एल्स प्रेजेंट इन द सिचुएशन, उसको कहते हैं हॉग द लाइमलाइट। फिर ड्रिंक लाइक अ फिश, ड्रिंक अ लॉट। अब भाई अगर हम बोलें कि मछली समुद्र में रहती है, रिवर में रहती है, जहाँ भी रहती है, तो भाई उसके पास तो इतना पानी है, वो जितना मर्जी चाहे पी सकती है, राइट, तो ड्रिंक लाइक अ फिश मीन्स ड्रिंक अ लॉट। थ्रो इन द टावल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, मानो ये कोई है वो हार गया किसी चीज़ से, वो रोएगा, ठीक है, रोएगा तो हम उसको टिश्यू पेपर देंगे, बट वो अब इतना टूट गया उस हार से कि उसने सोचा कि अब मैं इसको छोड़ ही दूंगा, ये जो चीज़ कर रहा हूँ, मान लो ये बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, एंड वो हार गया इतना बुरी तरीके से, इज़ अ चैम्पियन एंड वो हार गया, एंड उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई नहीं अब मैं बॉक्सिंग करना ही छोड़ दूंगा, तब हम उसको एक टावल देंगे, ठीक है, भाई टिश्यू पेपर से तो तुम्हारा आंसू नहीं रुकने वाले, तो तुम टावल लो, तो थ्रो इन द टावल मीन्स टू क्विट इन डिफीट, मतलब आपने वो चीज़ ही करनी छोड़ दी डिफीट की वजह से। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बी लाइक चॉक एंड चीज़। अबे ये है हमारा चॉक्स, ये है हमारी चीज़, इनका कोई मेल नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड हेंस इसका मतलब यही है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बाइट योर टंग। अब देखो ये होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं किसी से, डेस्परेटली कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं पर हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम अपनी जीभ मतलब काट लेते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि डेस्परेट एफर्ट्स टू अवॉइड सेइंग समथिंग इज बाइट योर टंग। फिर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, अभी ये होता है कि रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। अभी मान लो एक कैट आपने ली है एंड उसको आपने एक बैग में बंद कर रखा है, भाई वो थोड़ी देर बाद इतनी छटपटाएगी ना कि वो उसको बाहर आ ही जाएगी, आप छोड़ ही दोगे उसको, ठीक है, तो वो एक बाय मिस्टेक या फिर केयरलेस एफर्ट्स की वजह से यू हैव रिवील्ड अ सीक्रेट। मूविंग फॉरवर्ड ब्रेक अ लेग, जिसका मीनिंग होता है इट्स अ वे टू से गुड लक टू अ पर्सन, कि भाई गो ब्रेक अ लेग, ठीक है, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है बट इट इज़ नॉट नेगेटिव। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव बीट द रश टू गेट देयर फर्स्ट, ठीक है, अब भाई भीड़ को बीट करके, रश इज भीड़, तो भीड़ को आपने बीट करके आगे बढ़े हो, तो बी देयर फर्स्ट। मूविंग फॉरवर्ड अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। हम बोलते हैं ना भाई अगर जैसे तुम मेरे दुखों के साथी हो, ठीक है, तो जैसे अगर कोई दोस्त है आपका जो कि आपके बुरे टाइम में आपके साथ है, तो
वो हमेशा आपके साथ रहेगा एंड आप उसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाय कर सकते हो। इसका एक ऑपोजिट इडियम भी है, दैट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड, जो कि आपके टाइम आपके सिर्फ अच्छे समय में आपके साथ रहेगा, बाकी टाइम ही और शी वोंट बी देयर। ठीक है, तो फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन नीड मतलब हो गया अ पर्सन हु हेल्प्स एट अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज़ अ पर्सन हु यू कैन रिलाय ऑन। एंड अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया अ फ्रेंड हु इज़ देयर इन द गुड टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बीट अ डेड हॉर्स। अब देखो, जो एक हॉर्स होता है ना, अगर हम उसको मतलब थोड़ा सा ऐसे लगाम खींचते हैं या फिर उसके पेट पे ऐसे मारते हैं ना, तो वो तेज़ भागने लगता है। बट एक अगर हॉर्स है जो मर ही चुका है, अगर आप उसको मारोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक टू पुट अ एफर्ट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट एडियम ऑफ द डे वी हैव एज ईजी एज पाए, मतलब बहुत ईजी, वेरी ईजी। ओके, तो दीज वर ऑल द एडियम्स फॉर टूडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।